His Excellency Prime Minister Gentiloni, distinguished delegates, members of the media. सबसे पहले मैं Prime Minister Gentiloni को और उनके delegations का भारत में सहर्ष स्वागत करता हूँ. भारत आने का मेरा निमंत्रण आपने स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. एक्सलेंसी, आपकी यात्रा भारत इटली संबंधों के एक ऐसे ऐतिहासिक समय पर हो रही है जब हम मार्च 2018 में अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं. आपके साथ आज बातचीत में मैंने अनुभव किया, हम दोनों ही अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इच्छुक हैं और आपकी इस यात्रा से हमें अपने संबंधों की नई प्राथमिकताएं तय करने का अवसर मिला है. आज की मुलाकात में हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोगों की समीक्षा की और साथ ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक विषयों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया. फ्रेंड, भारत और इटली विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं. हमारी अर्थव्यवस्थाओं की मजबूतियों में से हमें दोनों देशों के बीच कॉमर्शियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के प्रचुर अवसर मिलते हैं. लगभग 8.8 बिलियन डॉलर के हमारे द्विपक्षीय व्यापार में अभी काफी बढ़ोतरी होने की क्षमता है. मुझे प्रसन्नता है कि प्राइम मिनिस्टर जेंटिलोनी के साथ एक हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन आया है. आज दोनों देशों के इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मुलाकात में मैंने भविष्य की संभावनाओं के प्रति काफी ऑप्टिमिज्म का अनुभव किया. हम अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स में इटालियन कंपनियों द्वारा और मजबूत भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहेंगे. भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में उनके लिए अपार संभावनाएं हैं. स्मार्ट सिटीज, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी आवश्यकताओं, इटली की विशेषज्ञता एवं क्षमताओं से बहुत मिलती जुलती है. मुझे बेहद खुशी है कि इसी हफ्ते वर्ल्ड फूड इंडिया इटली एक फोकस कंट्री के रूप में बड़े पैमाने पर भाग लेगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अन्य क्षेत्र है जिस पर सहयोग बढ़ाने के लिए हम उत्सुक हैं. इस क्षेत्र में इटली हमारे लंबे समय से भागीदार रहा है. हमारे देश के छात्रों के लिए इटली हायर एजुकेशन के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है. हमने दोनों देशों के बीच मौजूद समृद्ध सांस्कृतिक संपर्क के संबंध में भी बातचीत की. मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इटली में बहुत से लोग भारतीय संस्कृति, खानपान, सिनेमा, संगीत, नृत्य, योग और आयुर्वेद में गहरी रुचि रखते हैं. दोनों देश पर्यटन एवं लोगों के बीच आदान प्रदान के लिए सहमत हैं और इससे हमारे आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे. फ्रेंड्स, द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर के मामलों पर भी बातचीत हुई. आज के युग में प्रत्येक दिन हम नए खतरों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. वैश्विक स्तर पर मौजूद एवं उभर रही कुछ सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की है. हम दोनों आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने और साइबर सिक्योरिटी पर सहयोग मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
दोनों पक्ष साझा चुनौतियां एवं हितों के मामलों में विभिन्न वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करने और निकट सहयोग करने पर सहमत है। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर जेंटिलोने के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वे भारत आए और उनके साथ मुझे काफी विस्तार से सभी प्रकार के विषयों पर सकारात्मक चर्चा करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं।